कई सारे ऐसे मुद्दों पे बात करती हैं जो हम बात नहीं करना चाहते. बहुत सारी झूठी शर्म हम सब लोगों ने, समाज ने ओढ़ के रखी है, और उस झूठी शर्म के उस अरे चलता सॉरी हाँ सो द साइलेंस बहुत सारे मुद्दों पे बात करती है जो समाज में हो रही हैं चीज़ें हमारे अगल बगल में आसपास, मगर हम बात नहीं करते क्योंकि समाज ने एक झूठी शर्म ओढ़ के रखी है. चाइल्ड अब्यूज़ पे बात करती है, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करती है, और आपने जैसे कि ट्रेलर में देखा होगा कि बहुत हार्ड हिटिंग और इंटेंस है. मैं खुद नहीं सुन पा रही थी, मैं खुद नहीं देख पा रही थी, भले ही मैं खुद ही चीखती हूँ फिल्म में. तो कोई शुगर कोटिंग नहीं है, जो है सच वो आपके सामने लाया जा रहा है. तो इसीलिए द साइलेंस, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर आर्टिस्ट में कुछ काम कर रही हूँ, मैं अपना पैशन अगर किसी चीज़ में लगा रही हूँ तो और पैशनेट लोगों से जुड़ूँ. हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अश्विनी, जिन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, वो बहुत ही पैशनेट है इस फिल्म को लाने के लिए. 2 साल से ये पिक्चर बनी थी मगर रिलीज़ नहीं हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोई इसको उठाने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई छूने के लिए भी तैयार नहीं था कि इस टॉपिक पे हम बात करें. फाइनली अभी 6 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, हिंदी इंग्लिश हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेजेस में है, विद सबटाइटल्स है, और अच्छा लग रहा है. अरे बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी और करने को बहुत कुछ था, और एक्टर को जो चाहिए होता करने के लिए वो इसमें मिला. फादर की भूमिका थी इसमें, तो बस ये लगा मुझे करना चाहिए तो कर ली मैंने. बेसिकली स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी. जी हाँ, एक्टर थी बहुत अच्छे थे इसमें. अंजलि, उनके साथ एक और फिल्म की है मैंने, न्यूटन, वो भी है, और नागराज, तो इनके साथ तो बहुत मज़ा आया काम करके. और जब अच्छा एक्टर सामने होता है तो जाहिर मज़ा आएगा. बस इसी लालच से, इसी उम्मीद से कर ली फिल्म. सबने सुना कि पिक्चर कराया गया फेस्टिवलों में भी. जी जी, अभी नहीं, इस मुद्दे पे लोग पिक्चर रिलीज नहीं करना चाहते हैं. इस पिक्चर को भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मिलना मुश्किल है रिलीज करने के लिए. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. रिलीज क्या है कि अच्छी फिल्म के लिए मिल ही जाते हैं, और आजकल अभी दौर बदल गया है और अच्छी फिल्में ही चल रही हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि ये फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म मैंने खुद देखी हुई है, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है. अगर पहले दिन नहीं हो लेकिन माउथ पब्लिसिटी से भी चल सकती है फिल्म, और इतने अवार्ड मिले हैं तो फिल्म चलेगी. मेरे तो बिल्कुल उम्मीद है मुझे ये फिल्म अच्छी तरीके से चलेगी. जैसे चाइल्ड अब्यूज की बात की, जब भी इस तरह का होता है तो बात नहीं करना चाहिए. और ये पिक्चर ऐसे शॉर्ट फिल्म में भी बन चुकी है, लेकिन कई बदलाव नहीं हुआ, इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं नहीं, बदलाव है कि सब अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग किस्से होते हैं, अलग अलग वजहें होती हैं, तो सब कहानियों की तो इसकी अलग वजह है. तो ये तो स्क्रिप्ट देख के और फिल्म देख के ही पता लगेगा कि क्या इसमें खास बात है या दूसरी कहानी से, या हर कहानी एक जैसी है इस तरह के सब्जेक्ट पे. नहीं, बिल्कुल फ़र्क है, मुझे तो वैसा नहीं लगा. बहुत फ़र्क है, और बड़ी कायदे की फिल्म है और बड़ी तकलीफ देह फिल्म है, क्योंकि फादर का रोल मैंने किया तो मैं ही जानता हूँ जिस दौर से गुजरा हूँ वो शूटिंग के दौरान. और मैं 20-25 दिन तक तो मुझे नींदें ख़राब हो गई थी, मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी फादर के ऊपर इस तरह की आफत आए और इस तरह के दौर से उसे गुजरना पड़े. जिस तरह से सिनेमा देखने का लोगों का नज़रिया बदला है, बॉलीवुड पिक्चर हो, मराठी हो, कोई भी रिलीजियस पिक्चर हो, ऐसे लोग का नज़रिया बदला. कंटेम्परेरी लोग पिक्चरें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. 2017 में जितनी पिक्चर रिलीज हुई है सुपर हिट हुई है, उनकी सारी कंटेम्परेरी हुई है, ना कि स्टार का फेस देख के लोग आजकल ऑडियंस आ रहे. तो इस बारे में क्या, ये बड़ी अच्छी बात है. इससे क्या होगा कि अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियों पर लोग काम करेंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे, और ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे. क्योंकि अभी तो ऑडियंस के ऊपर उंगली उठा दी जाती है कि ऑडियंस ये चाहती है इसलिए हम ये ऐसा बनाते हैं, अभी वो सब पर्दाफाश हो गया है. और ऑडियंस अच्छी कहानी ही चाहती है, अच्छी फिल्में ही चाहती है, जिसकी जिस फिल्म में कुछ हो, कुछ देखने को मिले और कुछ सीखने को मिले, उसी तरह की फिल्में लोग चाहते हैं. आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है पिक्चर रिलीज होने के बाद, पुरस्कार, अवार्ड्स या पब्लिक अप्रिसिएशन? अवार्ड को तो मैं बिल्कुल दूर रखता हूँ. अवार्ड ठीक है, मिले, अच्छी फिल्में तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो फिर मेकर है उनके लिए एक और भी वो पहलू और एक उनका ज़िंदगी का शुरू हो जाता है कि अच्छी फिल्म बनाई है तो अगर अवार्ड मिल जाता तो ये बड़ी सराहनीय बात होती है.
तो सबसे पहले तो नीयत साफ होनी चाहिए, अच्छी फिल्म बनानी चाहिए। अवार्ड अवार्ड बात की बात है, वो मिल गए, अगर आपने अच्छी फिल्म है तो जाहिर है मिलेगा ही, तो उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, सीधी बात ही है। न्यूटन के बारे में क्या कहना है, मतलब ऑस्कर? बड़ी अच्छी फिल्म है और ऑस्कर के लिए गई है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये सोचा था आपने कि पिक्चर, लेकिन ये तो ज़रूर सोचा था कि स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा तो ये बिल्कुल ज़रूर सोचा था कि फिल्म बड़ी अच्छी बनने वाली है और मालिक ने चाहा तो अच्छी तरह चलेगी चलेगी भी, तो जो मैंने सोचा था वही हुआ है। न्यू, अगर हम एक्टर के स्लॉट की बात करें बॉलीवुड में, तो राजकुमार जी कैसे एक्टर लगते हैं? राजकुमार राव बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सिंसियर एक्टर, बेसिकली बहुत ही सिंसियर, और थिएटर से ताल्लुक है उसका, तो बहुत ही सिंसियर है, बहुत मेहनत करते हैं वो, और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करने के लिए। उनके साथ जो भी एक्टर जितने भी थे, कुछ तो नॉन एक्टर भी थे जो वहाँ के आदिवासी थे, आपने फिल्म नहीं देखी होगी शायद, देखिएगा, तो उसमें जो नॉन एक्टर थे उन्होंने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि आप कह नहीं सकते कि एक्टर नहीं है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा किया उन आदिवासियों ने। जाते हैं जी, शायद साइलेंट ज़रूर देखिए ये फिल्म, और अगर नहीं देखा तो आप पछताएंगे, मेरी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर समझिए, और आप ज़रूर देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।